मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCM मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। सागर स्मार्ट सिटी के संविदा अभियंत्री के खिलाफ की गई झूठी रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग को लेकर सागर स्मार्ट सिटी संविदा यूनियन के कर्मचारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इन सभी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए धरना दिया। साथ ही कलेक्टर और SP के नाम ज्ञापन कलेक्टर निगम आयुक्त के अलावा स्मार्ट सिटी CEO को सौंपा है। सागर स्मार्ट सिटी अधिकारी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पुष्पेंद्र द्विवेदी के मुताबिक उपयंत्री राघव शर्मा के खिलाफ गोपालगंज थाने में SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं में FIR दर्ज की गई है, जिसमें लिखा गया है कि राघव शर्मा ने स्मार्ट सिटी कार्यालय के परिसर पर उसके साथ मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अभद्रता की है, जबकि राघव शर्मा कार्यालय में मौजूद नहीं थे। उनके खिलाफ षड्यंत्र कर द्वेषपूर्ण FIR दर्ज कराई गई है। उपयंत्री पर पुलिस विभाग ने एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए FIR दर्ज की है, जिसे निरस्त किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच कर FIR कर्ता पर कार्यवाही की जाए, नहीं तो सभी कर्मचारी कार्यालयीन कामों का बहिष्कार करते हुए कार्यालय के सामने धरना देंगे। साथ में मिलकर दिनांक 27 तारीख को मेरे खिलाफ अर्जी FIR के संबंध में आज धरना प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपा है। दिनांक 27 तारीख को मेरे खिलाफ गोपालगंज थाने में अज्ञात व्यक्ति द्वारा FIR दर्ज की, जिसका मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा गोपालगंज थाने के द्वारा कोई भी विवेचना ना करते हुए, ना कोई इन्वेस्टिगेशन करते हुए, स्थल निरीक्षण ना करते हुए और एक पक्षीय रूप से FIR दर्ज कर ली गई। किस मामले में? मारपीट एवं गाली गलौज के संबंध में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। तकरीबन 6 धाराएँ लगाई हैं, जबकि 27 तारीख को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि 27 तारीख को मैं स्मार्ट सिटी में अपने साथी लोगों के साथ काम में व्यस्त था उस समय पर, और सारा दिन मैं स्मार्ट सिटी ऑफिस में ही था, और जिस व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई है मैं उसको नहीं जानता कि कौन है। और मैं जो स्मार्ट सिटी में काम कर रहा था तो उस वक्त के CCTV फुटेज, वीडियोग्राफी, सारे स्मार्ट सिटी के जो लगे कैमरे हैं, ऊपर लगे हैं, नीचे मतलब पूरा कैंपस कवर्ड है, उसमें देखे जा सकते हैं, काम करते हुए मैं दिखाई दे रहा हूँ। परंतु FIR, इस प्रकार की FIR दर्ज करना सरासर अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ आज हमारे द्वारा पहले SP साहब को भी आवेदन दिया जा चुका है 28 तारीख को, फिर हमारे द्वारा कलेक्टर साहब को 2 तारीख को इसके खिलाफ ज्ञापन दिया गया। तत्पश्चात आज इसलिए ये ज्ञापन और धरना प्रदर्शन की बात आई है कि 20 दिन हो गए हैं तब से कोई इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। अर्जी FIR को लेकर ना किसी के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, गोपालगंज थाने के द्वारा कोई इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं। किसी से बुराई थी क्या आपकी? किसी से कोई बुराई नहीं है, ना किसी से कोई बुराई थी। अब हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए कि आज किसी के द्वारा, अज्ञात आदमी के द्वारा मेरे ऊपर FIR दर्ज करी गई, कल भी हमारे साथी लोग सारे मौजूद हैं, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज करे तो ये सरासर अन्याय है। इसमें पुलिस प्रशासन को FIR लिखने से पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, प्रॉपर विवेचना करनी चाहिए थी उसकी, तत्पश्चात अगर इस प्रकार का मामला कोई है तो उसमें फिर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक पक्षीय रूप से कार्रवाई की। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा। मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCM मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839, 8770069788।